आज जो पंचायत के चुनाव है, नगर पंचायत के, नगर पालिका के और नगर निगम का, उन चुनाव को लेकर के आज मैं अपने एक अपील करने के लिए जनता के सामने आया हूँ। और मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि तो बुढ़ाना कस्बा की तो जनता मुझे सब जानती हैं, जनपद की जानती हैं, मुजफ्फरनगर जनपद की, और एक लंबी लड़ाई हमने अभी लड़ी है, उस लड़ाई को लेकर के तो मैं जानता हूँ कि सारे यहाँ उत्तर प्रदेश तक, क्या देश तक जानने का जनता ने हमें काम किया। क्योंकि जो हमारी मम्मी यहाँ की ब्लॉक प्रमुख थी, उस मामले को लेकर के यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने एक बहुत बड़े स्तर पर, जो नियम विरुद्ध है, अलोकतांत्रिक कार्रवाई करा करके अधिकार छीन करने का काम किया था, उसको हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने नकार दिया। और उसके सापेक्ष शासन से पूरा आदेश हमारे फेवर में आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि कार्रवाई जल्दी हो। और दूसरी बात, आज वैसे खास मुद्दा तो हमारा चुनाव का है, जो हमारे नगर पालिका के चुनाव है, बुढ़ाना कस्बे के लिए महत्वपूर्ण। मैं एक विशेष अपील करना चाहता हूँ इस कस्बे की जनता से, क्योंकि आज माहौल कुछ हो रहा है प्रदेश में, आप लोग समझते भी हैं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। अगर इस देश को बचाना है तो आप लोगों को सोचना होगा कि हमें एकजुटता के साथ वोट देनी है। और वोट किसको देनी है, कि आप लोग सभ्य नागरिक हैं इस कस्बे के, सम्मानित है, आप समझते हैं। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जितने भाई हमारे अल्पसंख्यक समाज से हैं और जो चुनाव मैदान में हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी सब एकजुटता का परिचय दें, और ऐसा परिचय दें, आप ऐसे कैंडिडेट को चुन लें जो हमारे में सबसे मजबूत हो, जो सबसे अच्छी लड़ाई लड़ सकता हो और हर तरह से हमारे अधिकारों को सुरक्षित रख सकता हो। तो साथियों, आप लोग देख ही रहे हैं प्रदेश में क्या हाल है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही, क्योंकि कानून की धज्जियाँ ब्लॉक में उड़ाई गई। कानून की धज्जियाँ आप लोगों ने देखा होगा, अभी क्या घटना हुई। मैं किसी अतीक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी माफिया की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई अगर गुंडागर्दी करे तो ठीक है, कोई कार्रवाई सरकार करे, परंतु बात कानून की है कि यहाँ पर जो है संविधान को ख़त्म करने की बात हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून की बात करते हैं, अरे कानून में जब सारा देश चलता है, क्या भारतीय जनता पार्टी क्या तानाशाही कर करके देश को चलाएगी। तो मैं निवेदन करता हूँ, अगर भाइयों, साथियों, मेरे प्यारी बहनों, अगर आप लोग इस बचना चाहते हैं, इस ऐसी कार्रवाइयों से बचना चाहते हैं, तो इस देश में, इस प्रदेश में और इस कस्बे में और इस जनपद में आप लोकतंत्र बहाल करने का काम करें। और मेरा यही निवेदन है कि आप लोग सब एकजुट होकर के, जो आपका सही कैंडिडेट हो, जो सही कैंडिडेट हो इन सब लोगों में से, आप लोग उसको ही चुनने का काम करें। आप कोई भी अपनी वोट खराब ना करें। अगर आप लोग इधर उधर वोट बांट करके देंगे तो आप ये समझो कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। आप ये मत समझना कि हम अपने कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस वोट का बंटवारा किया तो आप समझ लेना कि ये वोट सीधे आपकी भारतीय जनता पार्टी को वोट गई, और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ चुनाव जीतेगा। और फिर आप लोगों के साथ जो उत्पीड़न होता है तो आप वो सब देख चुके हैं, और जनता यहाँ सब जानती है, जनता को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। बस मेरा तो आपसे हाथ जोड़ करके यही निवेदन है कि आप लोग कानून व्यवस्था को देख करके, आप पुलिस प्रशासन की दबंगई को देखते हुए, आप लोग जो है इसका एक सही लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, लोकतंत्र को एक जिंदा रखने के लिए, आप एक अपने सही कैंडिडेट का चयन करें, और जो सबसे मजबूत हो, जो सब सबके साथ हो, सबके साथ मैं विश्वास रखता हो, उसी को आप वोट दें। धन्यवाद।